हाय डियर माय फ्रेंड्स, जो भी आप इंडिकेटर देख रहे हैं राइट, इस तरह से इंडिकेटर आपको और मेरा जो टेलीग्राम चैनल में वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये इंडिकेटर मेरे वेबसाइट में मिलेगा आपको, कोडिंग पूरा है आप, ठीक है। तो कहाँ से मिलेगा आपको, ले के चलेंगे। चलो और हम जाएंगे अभी मेरा ऐप्स में भी जा सकते, सीधा ऐप्स में क्लिक करो, ऐप्स रहे तो ऐप्स में क्लिक करो। यहाँ से आपको फंडामेंटली इंटरेस्ट है एल्गो ट्रेडिंग भी देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ क्लिक करो तो ऑटोमेटिक चलते रहेगा कौन सा भी। हाय डियर माय फ्रेंड्स, आज थोड़ा ऐप्स मैंने ये वगैरह वगैरह छोड़ दो, ये सब वो आपको मर्जी। नो, यहाँ पे चले जाओ, दुनियादारी का ऐप्स है तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। और क्लिक कर लेना हाँ, उसके बाद अपने यहाँ ना इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अरे ए पी के में क्लिक हुआ भाई, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जाओ मल्टीप्रो, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, मैं दिखाएंगे आप लोग को। ये ऑप्शन से मतलब नया जो ट्रेडर है उसको ये हेल्प आएगा। यहाँ पे लाइव एक्सेल, क्या एक्सेल लाइव एनालाइज, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट प्लस स्विंग ट्रेडिंग भी कभी कभी दे देता हूँ। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो आप चार्ट एनालाइज कर देता हूँ, ऑप्शन सेम है। और यहाँ पे अपस्टा वगैरह जो देख सकते हैं, अपस्टा सेंसिबल और स्किनर वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी ब्रोकर देख सकता है, तो ये सब तो है। आपको क्या करना, आपको यहाँ चले जाना ट्रेडिंग व्यू कोडिंग में चले जाना, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू कोडिंग में जाएगा तो ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर लिख के आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो फास्ट इंडिकेटर, यहाँ पे फोटो नहीं दिया, आप लोग को समझ लेना मेन ट्रेड इज द व्यू। यहाँ पे आप लोग को देख कौन सा इंडिकेटर होना, पहला तो चार इंडिकेटर आपके लिए इम्पोर्टेंट में रख दिया। यहाँ पे एक, यहाँ पे फोटो रखा, यहाँ पे एक चले गया फोटो के बाद में एक, तीन ऑप्शन वर्शन, यहाँ पे तीन दो इंडिकेटर, यहाँ पे ये दो नंबर, और इसका फोटो 20 में एक लगा दिया, उसके बाद चार नंबर है, इसका चार नंबर के बाद दो इंडिकेटर, और ये है चार इंडिकेटर। हाँ ये है ईएमआई 200, मतलब कलर है, कलर का है जो मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज कलर का है, ठीक है। और नीचे का दिया है वर्जन 5 इंडिकेटर ओवरव्यू ट्रेड इन 700, ये सब लैंग्वेज आप समझ में नहीं आता। ये जो ये मूविंग एवरेज है, देखो यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज है, सॉरी यहाँ पे 10 20 देन 50 और प्लस 100, ठीक है 100 और यहाँ पे 150 200, यहाँ पे सेम इंडिकेटर मतलब एक साथ में या सिक्स इंडिकेटर एक साथ में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। से इंडिकेटर आप ऐड कर सकते हैं। ये जो 200 इंडिकेटर, ये खाली ओनली कलर होगा, मतलब एक रेड, ठीक है, और एक ग्रीन, मतलब दिखाएगा मार्केट का व्यू क्या है, ठीक है, वो हिसाब से। और ये सब अलग अलग इंडिकेटर है, मतलब ऊपर से लेके यहाँ से यहाँ तक, ये छोड़ देना, ये से इंडिकेटर मूविंग एवरेज, आप चाहे तो ये भी ले लो, वो आपका मर्जी है। तो ऊपर का जो चार है, यहाँ से जो चार है, यही आपको सबसे अच्छा काम करेगा। और नीचे का जो है, ये भी मूविंग एवरेज से एक साथ में से इंडिकेटर मूविंग एवरेज ऐड हो जाएगा। और नीचे का उसको बाद थोड़ा ऐड दे देंगे 20 में, ऐड का बाद वो जो भी इंडिकेटर है उसका फोटो रखा है, देखो यहाँ पे ये सब क्या है, सुपर ट्रेंड मेरे ख्याल से, हाँ तो इसका सुपर ट्रेंड लगा दिया। फिर 20 में ये देखो इसी का भी
एक फोटो में लगा दिया यहाँ पे, ऊपर का चार में फोटो नहीं लगाया क्योंकि फोटो ने सेव नहीं किया था इसीलिए नहीं लगाया। तो ये इंडिकेटर यहाँ पे आ गया। उसको बाद जब देखेगा उसके ऊपर एक एक फोटो लगा है, ठीक है, ध्यान दो। और उसको बाद आपने ड्रॉप डाउन करना है, तो ये और एक इंडिकेटर है, मेन चार इंडिकेटर ऊपर रखा है। इसको आपको पास कैसे लगता है देखो, यहाँ पे MACD कलर, MACD क्या क्या है वो भी लगा दिया मैंने, ठीक है। और ये भी एक लगा दिया आप लोग को, ये भी सुपर ट्रेन है, ये लास्ट है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सब ज़रूरत नहीं पड़ता, फिर भी मैंने लगाया, इसको एक्स्ट्रा लगा दिया, मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने के लिए, मंथली वीकली, ठीक है, वो सब देखने के लिए लगाया मैंने। तो ये है आपका जितना भी ये लास्ट इंडिकेटर है, इसके बाद आपको नहीं देखेगा, इसके बाद जो भी ऐड देखने लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये ऑप्शन अगर आपने कौन सा साइड से आ रहा है तो और एक बात है आप लोग के लिए, एक्सेल शीट यहाँ पे मैंने मॉडिफाई कर दिया है थोड़ा। यहाँ पे जाओ और एक्सेल शीट किस में रखा था, ऑप्शन सेल में चले जाना, ऑप्शन सेल में जाके ये बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस का आज थोड़ा मॉडिफाई किया, पूरा दो बायर बनाया, मतलब पहला सेलिंग के लिए था, अभी दोनों बायर भी बना दिया। तो यहाँ पे क्लिक कर दो, इसमें क्लिक करना, आप पे देखो यहाँ पे लिख गया, राइट। यहाँ पे क्या है, ये नीचे जाओ, अरे भाई ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ऐप्स का अंदर है ना, हम इसीलिए यार निफ्टी बैंक निफ्टी दो ही दिखा रहा है। तो ये कहाँ का, ये स्टॉप लॉस यहाँ से तो नहीं दिखाएगा आपको, ये ऐप्स का अंदर से, ठीक है। तो ये ऐप्स का अंदर गूगल ड्राइव वगैरह क्या क्या दिखा रहा है वो डाउनलोड करना वगैरह, तो ऐप्स का अंदर से मैं छोड़ जाएंगे, आपको वेबसाइट से भी दिखाएंगे, ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे एक्सेल शीट आप यहाँ पे आके सीधा ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे आके ले लेना, ऐसा ट्रेडिंग व्यू का कोडिंग वगैरह जो है सीधा देखो। अभी एक एक करके फ़ोटो रखा है बीच में, ठीक है, आपको साला 5G मोबाइल है, इतना स्पीड होना साला है, उतना भी मज़ा नहीं आ रहा है, और फास्ट होना चाहिए भाई। तो ये हुआ यहाँ इंडिकेटर बस, और आपको जो भी एक्सेल शीट है मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया, कहा है भाई, हाँ यहाँ पे ऑप्शन सेन में चले जाना। यहाँ पे मैंने गूगल यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है, टेक आउट टू ट्रांजेक्शन, यहाँ पे नो, अरे क्या हुआ भाई, अपना ही अपना एक्सेल शीट में क्या दिखा रहा है, ये एक्चुअली डेस्कटॉप के लिए है, अरे इसको कहाँ से मैं बीच में वाइट कर दिया भाई, छोड़ दो क्या करेंगे उसको वाइट वगैरह ब्लैक। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस पुट हुआ, ये देखो ये बैंक निफ्टी निफ्टी 50। अरे मैंने यहाँ पे एक गलती किया है, अभी जो आज का जो है उसको अपडेट नहीं किया मैंने, सॉरी मैं अपडेट कर देंगे, अभी उसको अपडेट नहीं किया, लिंक नहीं किया, ठीक है। तो मैंने कुछ टाइम के बाद लिंक दे देंगे, तो मैं टेलीग्राम से दिखा देता हूँ आपको कहाँ है वो एक्सेल शीट, अभी यहाँ जाएंगे, यहाँ कहाँ है मेरा एक्सेल शीट भाई, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे आ गया ना, ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी बाइंग का है, देख लेना, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 बाइंग के लिए जो भी है बायर का है, ठीक है, बायर तरफ से
सीधा इंटरप्राइज एग्जीपी मतलब बाइंग के लिए डेस्कटॉप में होगा। अगर ये सब मोबाइल से थोड़ा इधर उधर हिलता है ठीक है, तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी बाइंग का है, पूरा बाइंग के लिए जो भी एनालाइज है बाइंग का है ये सब। निफ्टी बाई निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी बाई और निफ्टी फिफ्टी बाई ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी सेल और निफ्टी फिफ्टी सेल मतलब ये क्या है, स्टॉप लॉस है, आपको खुद को प्राइस देख के फ्यूचर प्राइस देख के मैंशन करना पड़ेगा ठीक है, लॉट साइज़ क्या वगैरह वगैरह सब काली वीडियो में बता दिया, इतना सब बात है। यहाँ पे आज मॉडिफाई कर दिया, कल का एक्सेल शीट आज मॉडिफाई कर दिया मैंने, क्योंकि वहाँ पे ना बायर का और सेलर का मेरे को ही कन्फ्यूज़ हो रहा था, मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ कि उस सेलर इसका ये किस अंदर का बाइंग करना सेलर करना, मतलब खुद ही कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, तो हमारा स्टूडेंट क्या देखेगा वो, तो मैं इसीलिए क्या किया फिर से नया उसको अलग से मैंने फिर ले लिया, फिर उसको फिर कैलकुलेटर अपोजिट उल्टा तरफ होता है, एक सेलिंग के लिए अलग होता है बाइंग के लिए भी अलग होता है ना, तो इसीलिए मैंने दोनों अलग अलग करा, बाइंग का पहला रख दिया सेलिंग का पीछे रख दिया, क्योंकि जो बायर है बायर बाई करेगा से सेलर है सेलर करेगा, दोनों में ही पैसा बनता है। बायर में 1:3 रखा है और सेलर में 1:2 रखा है ठीक है, 1:3 नहीं रखा है क्योंकि सेलर में 1:2 है 1:1 है बस है, और बायर को 1:3 तक मैंने रखा है। देखो यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे 1:1, 2, 3 मतलब ये फर्स्ट 1:1, 1:2, 1:3 ठीक है, उसके बाद 1:1 में कितना प्रॉफिट इधर आया वो सब है ठीक है, और सेम इसी का इधर ये है पुट, यार स्टॉप लॉस आपको उतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, जितना आता उतना बढ़ाना है पॉइंट ठीक है। स्टॉप लॉस 1 ही, दो बार नहीं दिया जो आपको स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है नीचे तरफ, इसी का काम मैंने नहीं किया, यहाँ पे प्रॉफिट भले ही मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस वहाँ का वहाँ से मॉडिफाई कर लेना ऊपर तरफ, मतलब वहाँ से नीचे तरफ नहीं बढ़ाना, इसीलिए मैंने वहाँ नहीं बढ़ाया ठीक है। ये तो हुआ आपको निफ्टी 50 का बैंक निफ्टी जो भी है एक्सेल शीट को मॉडिफाई किया, मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं दिया, अपडेट दे देंगे अभी 2 मिनट के अंदर ठीक है। और हमारा एक्सेल शीट ये जो भी है यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है हाँ मिल जाएगा ठीक है, और जो भी पहला इंडिकेटर इसमें था ना पूरा, इसमें एक भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा आपको, पूरा डिलीट कर दे मैं हूँ आपसे, तो वीडियो को यहाँ पे एडिट करके दे दो। थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बाय बाय, टेक केयर।